हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रीति और आज हम बनाने जा रहे हैं अनियन रिंग्स। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं। तो चलिए क्रिस्पी अनियन रिंग्स बनाना शुरू करते हैं। क्रिस्पी अनियन रिंग्स बनाने के लिए हमने लिया है प्याज। दो प्याज को हमने इस तरह से अलग कर लिया है, इस तरह से रिंग की तरह देख सकते हैं। एक कटोरी बेसन, इसको हमने छान लिया है। तलने के लिए हमने लिया है तेल। एक चम्मच नमक, एक चम्मच चाट मसाला, एक चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लिया है हमने लाल मिर्च पाउडर, और एक चम्मच लिया है धनिया पाउडर और अदरक, जिसको हमने ग्रेट करके रखा है। चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बॉल लेंगे और उसमें डालेंगे बेसन। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, चाट मसाला और नमक स्वाद अनुसार। चाट मसाला में नमक होता है, इसलिए हमने इसमें आधा छोटी चम्मच ही नमक ऐड किया है। और साथ में डाल देंगे हम ग्रेट किया हुआ अदरक। अब इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़ा पानी डाल के सब घोल तैयार करेंगे। बीच में चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े, और थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे। अब इसको हम 2 मिनट अच्छे से फेंट लेंगे। फैटने से अच्छे बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। ये देखिए, इस तरह से गाढ़ा घोल तैयार करना है। अब 5 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट के लिए रख देंगे ढाक के। 2 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, इस तरह से गाढ़ा घोल रेडी हो गया है। अब हम क्रिस्पी अनियन रिंग्स बनाना शुरू करते हैं। और इधर कढ़ाई में हमने तेल रखा है और तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो आइए हम इसको तलते हैं। इस तरह से एक बार में जितने रिंग आ जाएं हम उसमें डाल देंगे। और गैस की फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, ना बहुत ज़्यादा तेज ना बहुत ज़्यादा लो। इस तरह से हम सारे अनियन रिंग्स फ्राई करके, डीप फ्राई करके रख लेंगे। ये देखिए, ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसको हम निकाल देंगे। इस तरह से हम निकाल देंगे ताकि सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब इस तरह से हम अपने सारे ऑनियन को इस तरह से हम तल के निकाल देंगे। अपने सारे अनियन रिंग्स पकौड़ा फ्राई करके निकाल दिए हैं। आइए इसकी प्लेटिंग करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारे क्रिस्पी अनियन रिंग्स
बन के रेडी है। इसको आप चाहे सॉस के साथ खाइए, चाहे तो आप ग्रीन सॉस के साथ खाइए। और इसको बच्चे भी बहुत ही चाव से खाते हैं और बहुत ही टेस्टी बना है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा। थैंक यू सो मच।